सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओपीडी को अक्टूबर तक मूल स्वरूप में शुरू करने के दावों की हवा निकलती नजर आ रही है, जहां नियुक्तियों को लेकर की जा रही लेट लतीफी की वजह से अस्पताल नवंबर में मूल स्वरूप में शुरू होने की संभावनाएं हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना मरीजों के उपचार में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सामान्य मरीजों के लिए शुरू करने के लाख दावे किए जा रहे हैं, जहां अब ये सारे दावे हवा होते चले जा रहे हैं। यहां यदि मूलभूत संरचना को छोड़ दिया जाए तो सबसे अहम काम स्टाफ और सुपर स्पेशलिटी ब्रांच के चिकित्सकों की नियुक्ति का है। इसे लेकर अब जिम्मेदार यह दावा कर रहे हैं कि लगभग 27 पदों के लिए इंटरव्यू के साथ ही नियुक्ति का काम हो चुका है, जल्द ही उनके रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। ACS मोहम्मद सुलेमान साहब ने इच्छा जाहिर की थी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने मूल रूप में 2 अक्टूबर से या उसके पहले प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमको नियुक्ति करनी थी। नियुक्ति के लिए जो साक्षात्कार थे उसमें 27 पदों के साक्षात् के लोग चयन किए जा चुके हैं। इसका कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट्स परिणाम इसके घोषित किए जाएंगे और उसके बाद में फिर विभागीय कार्य आरंभ होगा। इसके अलावा कुछ तकनीकी पद हैं जो टेक्नीशियंस के हैं, स्टाफ नर्स हैं, उसके लिए MP ऑनलाइन से कार्रवाई की जा रही है। जो शायद मेरी संज्ञान में जो आया है वो उसमें 29 अगस्त को MP ऑनलाइन की नर्सिस की परीक्षा होने वाली है और ये अधिष्ठाता कार्यालय के स्तर पे की जा रही है सारी कार्रवाई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला के मुताबिक ओपीडी ब्लॉक में ओपीडी शुरू करने के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्रांच के मुताबिक कमरों का चयन कर लिया गया है, लेकिन ओपीडी की शुरुआत नियुक्तियों के बाद ही शुरू होगी। फिलहाल इंटरव्यूज यहाँ के फैकल्टीज के हो गए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने का और फिर उनकी ज्वाइनिंग का। 16 अगस्त को कमिश्नर साहब ने कहा था कि सुपर स्पेशलिटी की ओपीडी शुरू करें। हम लोगों ने ओपीडी ब्लॉक में जो वेरियस सुपर स्पेशलिटीज़ के कमरे हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने अधीक्षक MY अस्पताल को वाया डीन MGM मेडिकल कॉलेज इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इन कमरों में हम लोग ये ब्रांच की सुपर स्पेशलिटी का काम करेंगे। जब फैकल्टीज़ ज्वाइन करेंगी तब फिर हम उनका ओपीडी रोस्टर उस हिसाब से बना देंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी ब्रांचेस के फैकल्टीज ज्वाइन करते हैं। इंटरव्यूज तो हो गए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर भी जाएंगे, अब वो लोग ज्वाइन करते हैं कि नहीं उस पर भी हमको डिपेंड करना पड़ेगा। वही अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही चिकित्सकों के साक्षात्कार का नतीजा जारी किया जा सकता है, जिसके बाद अस्पताल को मूल स्वरूप में शुरू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MB न्यूज, इंदौर।